भारत में करतारपुर कॉरिडोर की नींव पत्थर रखी जा चुकी है और आज बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज अपनी तरफ यानी कि करतारपुर साहिब में शिलान्यास रख रहे हैं इस करतारपुर कॉरिडोर का। इस वक्त एबीपी न्यूज ठीक उसी जगह पर आखिरी पोस्ट पर है बीएसएफ की, जहां तक ये करतारपुर कॉरिडोर आएगा 2.5 किलोमीटर लंबा जो डेरा बाबा नानक से आएगा और इस बीएसएफ की पोस्ट तक, आखिरी पोस्ट है बीएसएफ की जहां पर ये करतारपुर कॉरिडोर आएगा और इसके इस पोस्ट के आगे ही पाकिस्तान की सीमा है। कटीली तार यानी कि फेंसिंग के बाद पाकिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है, वहां पर पाकिस्तान वहां तक अपना कॉरिडोर बनाएगा, इस करतारपुर कॉरिडोर बनाएगा। और जहां पर क्योंकि बीच में उनको उनको पुल भी बनाना है, सड़क बनानी है और दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पाकिस्तान को बनानी है। यहां पर इस जगह पर भी काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, खुद गुरु नानक देव जी के जो डिसेंडेंट हैं, वंशज हैं, वो भी यहां पर पहुंचे इस मौके पर। और उन सभी लोगों का ये मानना है कि जो क्रेडिट है इस करतारपुर कॉरिडोर के लिए वो सरकारों को तो जाता ही है, भारत और पाकिस्तान की सरकार को जाता है, राजनेताओं को भी जाता है जिनका एफर्ट हुआ, लोगों की अरदास को भी जाता है जो इस बात के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे कि कभी वो करतारपुर साहिब जा सकें, पैदल जा सकें यहाँ से। और अब वीज़ा फ्री यहाँ से वो जा सकेंगे, कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर पासपोर्ट दिखा के या और दूसरे दस्तावेज दिखाकर वो सीधे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं यहाँ से 4.5 किलोमीटर का जो रास्ता है यहाँ पर। और साथ ही लोग जो यहाँ पर हैं वो बीएसएफ को भी श्रेय देते हैं कि जिनकी वजह से पता चला कि करतारपुर साहिब के यहाँ से दर्शन हो सकते हैं। टेलीस्कोप वो सामने पोस्ट है जहाँ पर लगी हुई है जिससे वो देख सकते थे और उसके जरिए ही पिछले कई सालों से 10-11 सालों से लोग टेलीस्कोप के जरिए दर्शन करते थे। लेकिन अब जल्द ही वो समय आने वाला है जब लोग हैं, सिख श्रद्धालु हैं, वो पैदल यहाँ से जा सकेंगे करतारपुर साहिब। कैमरामैन मान के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, डेरा बाबा नानक, भारत पाकिस्तान सीमा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।